राजस्थान में 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ, जिसका पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, फिर स्लॉट अलॉट होता है। कोरोना को हराने के लिए राज्य के युवा वैक्सीनेशन कराने के लिए उत्साहित हैं। भीलवाड़ा में जिला अस्पताल सहित 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां युवा वर्ग को वैक्सीन लगाई जा रही है। जहां शहर के युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह तो है, लेकिन शेड्यूल नहीं मिलने से उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर लोकवाणी संवाददाता मुरली मनोहर सैन ने वैक्सीनेशन केंद्र पर युवाओं से बातचीत कर उनके विचार जाने। क्या कहा युवा युवतियों ने, आप भी सुने। शुरू हुए वैक्सीन का दूसरा दौर 18 प्लस के लिए चालू हो गया है। इसमें देखते हैं युवाओं में काफ़ी उत्साह है, और हम खड़े हैं सुभाष नगर डिस्पेंसरी के यहाँ, देख रहे हैं आप मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है युवाओं की और 18 प्लस वालों की। ये बराबर टीके लगाने के लिए खड़े हैं, और इन्होंने सवेरे जल्दी रजिस्ट्रेशन कराया है और सबका व्यवस्थित नंबर आ रहा है, और बहुत पीसफुल ये सारा वैक्सीन का अभियान चल रहा है। हम चलते हैं आगे डिस्पेंसरी के अंदर, देखते हैं, पूछते हैं युवाओं से कि कैसे क्या है। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, और ये इस कोविड के लिए आप कैसे देखते हैं इस अभियान को, और युवाओं को क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा प्रोसेस था, सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया, टाइम से सब कुछ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अच्छे से वैक्सीनेशन सबको लग रही है। बहुत तो ये जो सरकार ने जो रखी है युवाओं के लिए स्कीम के, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के और फिर ही आएंगे, ताकि इसमें कोई भगदड़ वगैरह नहीं मचती, और कैसे होता आप बताएंगे? आपने वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करा के आए कैसे के? हाँ, करा के आपको? हाँ, सही लग रहा मेरे। ये जो अभियान चलाया सरकार ने ऑनलाइन का, हाँ सही लग रहा मेरे। चलाया तो बहुत अच्छा है, पर बुकिंग जो हम जैसे चाह रहे हैं कि हमारे वैक्सीन लग जाए, बट वो हमारा नंबर नहीं आ पा रहा है। आज 5 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं। तो जल्दी उठ के करिए। जल्दी उठ के क्या, 2 बजे रात को, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, बंदा सो ही नहीं पा रहा इस चक्कर में कि नंबर नहीं लग, मतलब निकल नहीं जाए। तो जब भी खोलते हैं तो बुक डाल रहा है, पूरा बुक डाल रहा है, बुक डाल रहा है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। तो इतने लोगों ने जो बुक कराए, इनके नंबर आए हैं, मैं इनसे यही कंसल्ट कर रही हूँ, आपने क्या किया, कैसे किया? हाँ। ये बता रहे हैं कि आप 6 बजे खोलो, कोई बता रहा है 5 बजे खोलो, तो हमने सब ट्राई कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे, पर अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। तो देखा आपने, कुछ प्रॉब्लम भी है कि भाई साइड नहीं खुल रही है, ये कुछ लोगों का कहना, बाकी काफ़ी लोगों को ठीक है कि महसूस हो रहा है कि ये व्यवस्था सही है। कुछ युवाओं ने टीका लगा लिया है, उनको कैसा महसूस हो रहा, जानते हैं उनकी राय, बताइए सर। आपने टीका लगा लिया? जी सर। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाना चाहिए। परेशानी नहीं सर, कुछ भी परेशानी नहीं है सर। एक और युवा से मिलते हैं। हाँ सर, आपने ये व्यवस्था देखी, टीका लगाया, कैसा लगा आपको? नहीं सर, सिस्टम बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट जो अभी कर रही है वो बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी ऐप से हो रहा है तो धांधलीबाजी और ये सब कुछ होने का इशू नहीं है। हाँ, ये है कि आदमी पब्लिक इतनी ज़्यादा है 18 से 45 साल 44 साल में, कि जिसका टीका हमको समझ में आ रहा है कि जिस टाक जितने टीके होने हैं और जितने आदमी हैं और जितने अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से नंबर आएगा, लेकिन टाइम से, लेकिन डेफिनेटली नंबर जल्दी आएगा हर जने का। की अटेम्प्टिंग नॉर्मली हम टीका जो भीलवाड़ा के अंदर है वो 6:45 से लेके और 7 बजे के बीच में खुलता है, आप सब भी उसी टाइम पर ट्राई करें, डेफिनेटली आप लोगों का नंबर आएगा। बी पॉजिटिव और सेफ रहें घर पर, सब अपना ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो देखा आपने कि ये कुछ व्यवस्था से सब संतुष्ट है, और काफ़ी लार्ज संख्या में ये लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा धीरज भी रखना पड़ेगा, ट्राई करें और सबका नंबर आएगा और बराबर सबको टीका लगेंगे और सभी युवा संतुष्ट हैं। देखा आपने कि सभी लोग इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं, और ये टीकाकरण बिल्कुल सक्सेस होगा। मुरली मनोहर सैन, लोकवाणी, भीलवाड़ा।